forward together, then the success take care of itself. दूसरा, ये हैरत अंगेज है कि आप क्या कर सकते हैं, आपको परवाह नहीं है कि क्रेडिट किसको मिलता है। आखिर ये जो परवाह होती है ना, ये किस तरह से सब एक साथ करते हैं और कामयाबी की जानिब, जो कामयाबी होती है वो खुद ब खुद हमें कामयाबी की तरफ लेके जाती है। ये कैसे मुमकिन हुआ है कि एक शख्स ने परवाह की है और फिर लाखों लोगों ने उस परवाह की कदर की है? क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? हेलो, हियर आई एम माविया तारिक, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। बहुत ही शॉर्ट शेयर करूं, जैसा कि पहले कोट में मैंने हेनरी फोर्ड के कुछ अल्फाज शेयर किए, उन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। हेनरी फोर्ड क्या बयान कर रहे थे कि जैसे ही हम सब कामयाबी की तरफ एक साथ बढ़ेंगे और हमारा जो मकसद होगा, जो हमारा कदम होगा, वो बस आगे बढ़ने को होगा, तो क्या होगा? तो कामयाबी जो होगी वो अपना ख्याल खुद रखेगी। यानी फिर ये नहीं होगा कि हमें कामयाबी आ रही है या नहीं, आप सब एक साथ सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़े, कामयाबी खुद ब खुद हमारे पास आएगी। खैर, मैं आपके साथ दूसरे कोड को शेयर करता हूं, अपने आखिरी ख्यालात शेयर करता हूं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं ठोका तो जरूर ठोकें, ताकि जो अपकमिंग सेशन है, न्यूज है, केस स्टडी है, वो आप तक पहुंच सके। दूसरे कोड में मैंने आपके साथ हैरी एस ट्रूमैन का कोड शेयर किया, जो क्या बयान कर रहे थे, जो बहुत ही आसान अल्फाज में बयान करते हैं कि ज्यादातर लोग, ज्यादातर हमारे ख्यालात और ज्यादातर हमारे रिश्ते या ज्यादातर हमारा आपस में जो ख्याल है ना, ये जो हमारा ख्याल करना होता है, परवाह करना होता है, ये हैरत अंगेज होता है, हमें पता नहीं होता। हम ख्याल करते हैं, ख्याल रखते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है। अब वो क्रेडिट जरूरी नहीं है पैसों की शक्ल में हो, वो क्रेडिट जरूरी नहीं है माल और दौलत की शक्ल में हो, वो क्रेडिट दवा हो सकती है, वो क्रेडिट हो सकता है हमारा आखिरत का सरो सामान, वो क्रेडिट हमारा हो सकता है कि हम कुछ बचा लें अपनी आने वाली जिंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मुझे यकीन है कि आज के सेशन में आपने बहुत ही शॉर्ट ये जाना होगा कि हम परवाह किस लिए करते हैं, किसकी करते हैं और कब करते हैं। अपना आप सब और जरा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।